देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रेम जो है एक ट्रांजिस्टर को बेचा सुधीर को 10% के गेन पे, ठीक है। ये आपका प्रेम है, ये आपका सुधीर है और ये आपका हरी है। प्रेम, सुधीर, सुधीर और ये आपका हो गया हरी, ठीक है। तो गेन 10% पे, तो सबसे पहली बात इसको गेन कितने परसेंट का आ रहा है, 10%। अब आ रहा है कि सुधीर बेचा हरी को कितने परसेंट के गेन पे, 15% के गेन पे बहुआ। अब प्रेम है BOU बाउट इट फॉर 500, प्रेम खरीदा है कितने में इसको, 500 में। तो हरी तक आने में कितना प्राइस पड़ेगा, बचवा CP है इसका कितना, 500, ठीक है। फॉर्मूला लगा, दिमाग लगा, चलो फॉर्मूला ही दिमाग लगाओगे तो 10% इसका होगा 50 रुपये। तो इस हिसाब से अगर 10% के प्रॉफिट पे बेचा तो सुधीर को पड़ा 550 रुपये। और सबसे पहली बात कि ये 15% के हरी, 15% को 15% प्रॉफिट पे हरी को बेचा, यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है। इसका CP हमको पता है, गेन परसेंट पता है, तो इस हिसाब से ये हो जाएगा आपका 115 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 550, इसका आ जाएगा 00 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, और ये हो गया आपका, पहले से ही अगर इसको कर दे तो ये हो गया 2 एकम 2.5, ठीक है। और हम लोग अब 55 को मल्टीप्लाई करेंगे 11.5 से, तो यहाँ डायरेक्ट पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 25 के 5, हाथ में 2 5 के 5 2 7 5 एकम 5, यही वाला होता जाएगा 575, ये हो गया 575, 7 5 12 का 2, हाथ में 1 7 12 1 3, हाथ में 5 1 6। अब देखिए का क्या रहा है यहाँ पर, ये 0.1 के बाद इसको लगाना है 632 रुपये 50 पैसे में हरी को ये पड़ा है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे।